अपने घर वालों के बारे में सोचती है, वो सिर्फ यही चाहते हैं कि मेरा बेटा या मेरी बेटी सिर्फ इतना काबिल बन जाए कि ये अपने जीवन में जो कुछ भी करना चाहे ना वो ये हासिल करे। आप अभी पिक्चर जो देख रहे हैं ना वो मोबाइल में देख रहे हैं, जिस दिन आप सफल हो जाएंगे ना उस दिन हॉल में जाकर के देखेंगे, चाहे टिकट कितनी की जाए। अगर जा रहा है तो आपका समय, आपकी एज, आपका मौका। हेलो जैन साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल संदीप बिगनर में। उम्मीद करता हूँ आप सभी भाई बहन अच्छे होंगे और अच्छे तरीके से अपने जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या जिस भी फील्ड में है वो आप अच्छे तरीके से अपने फील्ड में लगे हुए होंगे पूरी लगन से। आज जो मैं बात करने वाला हूँ ना, आज ना आपको किसी कोई वैकेंसी के अपडेट देने वाला हूँ, ना किसी कुछ उसके बारे में बताने वाला हूँ, ना कोई सिलेबस बताने वाला हूँ, ना किसी वैकेंसी के बारे में बताने वाला हूँ। आज जो हम बात कर रहे हैं ना, आज हम बात करेंगे आपकी जो रियल लाइफ चल रही है ना इस टाइम पे, कुछ भाई बहनों की, सबकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, कुछ भाई बहनों की बात कर रहा हूँ। कुछ भाई बहन अभी भी, बुरा मत मानना जो बात है ना, मैं सच कह रहा हूँ, ये जो यूट्यूब है ना इसके माध्यम से मैं आप तक बात पहुँचा सकता हूँ, तो क्यों ना कोशिश करूँ, भले ही चाहे कड़वी ही हो लेकिन सच बात पहुँचाऊँ आप तक। कुछ भाई बहन ना अभी भी अंधकार में डूबे हुए हैं और कुछ को ये भी पता है कि हम जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, लेकिन उनको बस भविष्य का ये नहीं पता कि उनके साथ क्या हो जाएगा। अभी भी मेरे पास कुछ कमेंट ऐसे आते हैं कि भैया मैं 1 घंटे ही पढ़ पाता हूँ, मैं 2 घंटे पढ़ पाता हूँ, मैं 3 घंटे पढ़ पाता हूँ। ठीक है, उनके पास समय बहुत है लेकिन बस वो पढ़ पाते हैं 1-2 घंटे। किसी के पास कुछ प्रॉब्लम, किसी के पास कुछ प्रॉब्लम। आपको एक बात बता दूँ, आप इतने बुरी तरीके से पछताओगे कि जिस दिन आपके किसी साथ के भाई या बहन का सिलेक्शन हो जाएगा ना, उस दिन आप किसी और से बाहर नहीं बताओगे, क्योंकि जब हमारी गलती रहती है ना तो हम बाहर किसी से नहीं बताते लेकिन अंदर ही अंदर अपने आप को कोसते हैं। तो उस दिन में सिर्फ एक शब्द आएगा, वो आएगा काश, काश मैं पढ़ लेता, काश मैं मोबाइल कम यूज़ कर लेता, काश मैं यारी दोस्ती में कम घूम पाता, काश मैं फालतू चीज़ों पर कम ध्यान देता, काश फिर से वही कि मैं पढ़ लेता। जिस दिन आपका सिलेक्शन होगा, सच बता रहा हूँ, जो भी आप इस समय मेहनत करेंगे ना उसका परिणाम जो उस टाइम पे मिलेगा ना वो कई गुना बेहतर होता है। मैंने आपसे एक पिछली वीडियो में एक बार बताया था कि आप जो त्यौहार देखते हो ना, कि आज दीपावली आ गई, एक टाइम होली आ गई, कभी रक्षाबंधन आ गया, कभी कुछ आ गया, जिस दिन आपका चयन हो जाएगा ना किसी भी वैकेंसी में, जब भी आप सफल हो जाएंगे ना तो आपको डेली त्यौहार जैसा लगेगा। मेरी बात मानिए, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, अब हम बात करते हैं कि आप इस समय कौन से अंधकार में खोए हुए। पढ़ रहे हैं हम, अच्छी बात है, किताबों से पढ़ रहे हैं, हमें ध्यान आया कि जैसे कोई भी टॉपिक बाई चांस हम पढ़ रहे हैं, कोई पॉलिटी पढ़ रहे हैं हम, हमें पॉलिटी का ध्यान है यार हमारे पास एक अच्छी PDF है फ़ोन में, हो सकता है कोई अच्छी PDF हो, किसी इंस्टीट्यूट ने आपको प्रोवाइड कराई हो या किसी कोचिंग वाले ने या किसी यूट्यूब वाले ने आपको प्रोवाइड कराई हो PDF। आपको PDF पढ़नी है, आपने मोबाइल उठाया अपना, आपके पास रखा होगा वहाँ से लिया या जहाँ से भी अपना मोबाइल उठाया, ये मोबाइल तो नहीं लेकिन मान करके चलिए मोबाइल उठाया आपने, डाटा ऑन किया। जैसे ही आप डाटा ऑन करेंगे आपको पता है सबसे पहले आपके जितने भी नोटिफिकेशन व्हाट्सअप के, टेलीग्राम के, इंस्टाग्राम के, यूट्यूब के, जितने भी होते हैं नोटिफिकेशन आ जाते हैं। ठीक है, जैसे ही ऊपर देखा, अरे हो यार ये तो मेरे उस दोस्त का मैसेज, अच्छा ये चीज़ ये पूछ रहा है वो बता दिया ऊपर, अच्छा अच्छा इसकी वीडियो अपलोड हो गई, अच्छा अच्छा अरे ये गाना आ गया। और गलती से अगर एक बार आपने रील्स खोल दी ना तो बस आपके पास सिर्फ एक ही काम रहेगा, ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे करके आपका कब आधा घंटा, कब 1 घंटा निकल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। बात कहाँ से शुरू हुई थी, हमारा फ़ोन हमारे साइड में था, हमने क्यों उठाया था वो, क्योंकि हमें एक PDF देखनी थी कुछ मिनट के लिए, बात वहाँ से चालू हुई थी। लेकिन वो बात कहाँ से कहाँ तक पहुँच गई, वो बात 1 से 1.5 घंटे बाद तक रील्स तक पहुँच गई। फिर उसके बाद हमें ध्यान आया कि अरे यार हमें तो PDF पढ़नी थी उस टाइम पे। फिर हम बहुत बड़े ऐसे मतलब दृढ़ संकल्प वाले बन जाते हैं, अरे यार ये तो बहुत गलत हो गया हमारे साथ और मैंने कितना टाइम ख़राब कर दिया, अब मैं आज से ये काम करूँगा नहीं बिल्कुल। उस टाइम पे तो आप इतने संकल्पवादी बन जाते हो कि अब मैं इसके बाद जब भी पढ़ूंगा सिर्फ पढ़ने के लिए चीज़ें लूँगा। तो इस चीज़ मतलब आपके अंदर इतनी शक्ति नहीं है कि हम फ़ोन उठा रहे हैं तो उसके बाद जब हम पढ़ाई के लिए जो चीज़ें देख रहे हैं सिर्फ उन्हीं को देखें, बाकी चीज़ों को अवॉइड करें। आपको खूब पता है मैंने हर बार आपके लिए ये 4 चीज़ें कहता हूँ, हो सकता है आप में से कुछ भाई बहनों को बुरा लग रहा हो लेकिन आपसे माफ़ी चाहता हूँ, जो बात सच है वो सच है। मैं सबकी नहीं कह रहा फिर कह रहा हूँ, कुछ भाई बहन ऐसे अभी भी कर रहे हैं। ठीक है, आप एक बात बताइए, आपके अंदर इतनी क्षमता नहीं है क्या आप अपने फ़ोन को उठा रहे हैं, जिस PDF को देख रहे हैं बाकी के सारी नोटिफिकेशन को अवॉइड करके सिर्फ उसी PDF को देखें जिसको आप देख रहे हैं, रील्स देख रहे हैं तो देखते ही जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ये सारी चीज़ें आपके भविष्य पर बहुत ही नकारात्मक प्रभाव डालेंगी। कुछ भाई बहन होते हैं कि हम 1-2 घंटे पढ़ पाते हैं, क्यों पढ़ पाते हैं 1-2 घंटे,
एक दो घंटे क्यों पढ़ पाते हैं, आप खुद से पूछना। एक दो घंटे के अलावा जो भी आप काम करते हो पूरे दिन, उसमें आप नहीं पूछिए कि जो भी मैंने पूरे दिन इतने घंटे सोया, इतने घंटे यारी दोस्ती में बैठा, इतने घंटे में वहाँ खेलने गया, इतने घंटे घूमने गया, इतने घंटे में टीवी देखता रहा, इतने घंटे में यूट्यूब देखता रहा। तो उससे आप एक चीज़ खुद पूछिए, जब भी जिस दिन भी आप जैसे रात को सो रहे हो ना, उस दिन आप खुद से पूछिए कि जो भी मैंने ये काम किया पूरे दिन, इसमें से मेरे फ्यूचर को देखते हुए इसमें से ऐसी क्या चीज़ है जो मैंने अपने लिए की है, फ्यूचर के लिए की है। आपको देखने को मिलेगा, मैं वहाँ घूमने गया बेकार गया, अपना मैंने समय ख़राब किया, मैं वहाँ टीवी देख रहा था बेकार किया, अपना समय ख़राब किया, मैंने इतना समय यूट्यूब पे बताया, रील्स पे बताया, ये सब समय बेकार था, मैं वहाँ दोस्तों के साथ घूमने फिरने गया वो सब समय बेकार था। आपके दिमाग में सिर्फ वही एक दो घंटा आएगा कि मैं आज एक घंटे या दो घंटे पढ़ा था सिर्फ मेरे लिए, मेरे फ्यूचर को बनाने के लिए, मेरे घर वालों के फ्यूचर को बनाने के लिए, सिर्फ एक दो घंटा वही था जो सच में मैंने अपने लिए किया, बाकी पूरा दिन कुछ नहीं किया मैंने अपने लिए। ये आप अपनी खुद की सच्चाई खुद के विचार से सोचना, मेरे कहने से मत करना, आप खुद एक बार सोने से करना, तभी जब आप रात को सोने से पहले जाओ, क्योंकि पूरे दिन की जो भी आपकी क्रिया प्रतिक्रिया हुई है वो आप शाम को ध्यान करना सोते टाइम रात को, ठीक है। तो इस तरीके से एक दो घंटा क्यों पढ़ रहे हैं आप इन सारे कामों को रोक के पढ़ने, मैं सच बता रहा हूँ, जिस दिन आपके किसी साथी भाई या बहन का सिलेक्शन हो जाएगा ना, उस दिन आपके दिमाग में एक ही शब्द आएगा, फिर कह रहा हूँ काश हम पढ़ लेते। मेरे पास बहुत सारे कमेंट आते हैं, कई बार तो मैं कोशिश करता हूँ कि उन कमेंट का स्क्रीनशॉट लेकर के यहाँ स्क्रीन पर दिखाऊं कि इस तरीके से आप मत कर, फिर मैं सोचता हूँ मैं चल छोड़ यार, मैं वैसे ही इनडायरेक्टली बता देता हूँ कौन किस तरीके से कह रहा है, उसे सब छोड़ो। दूसरी बात, फ़ोन को कम से कम यूज करें, फ़ोन को कम से कम यूज करें। और एक बात हमेशा ध्यान रखना, जिन चीज़ों को, एक आपने एक किताब पढ़ी होगी, मैं उसके बारे में किसी दिन फिर डिटेल से बताऊंगा, वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन से, मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नियम पर बताती है जो भी है। अगर आप जिन चीज़ों को सोचते हो ना पूरे दिन, महीने भर साल भर कभी भी, मतलब कुल मिलाकर जो आपकी थिंकिंग है, जो आप सोचते हो ना, वो चीज़ें धीरे धीरे आपके पास आना शुरू हो जाती हैं। चाहे वो पैसा हो, गाड़ी हो, मकान हो, नौकरी हो, पढ़ाई हो, कुछ भी, जिन चीज़ों को आप ज़्यादातर सोचते रहते हैं, जिन चीज़ों के बारे में ज़्यादातर सोचते रहते हैं, क्योंकि हमारे जो सोचने का काम होता है ना, जिन चीज़ों को हम धीरे धीरे सोचते हैं उन्हें हम धीरे धीरे पसंद करने लग जाते हैं, जिस चीज़ को हम धीरे धीरे पसंद करने लग जाते हैं फिर उसे हम पाने के लिए धीरे धीरे लग जाते हैं कि इसके लिए हम अब ऐसा क्या करें जो ये हमारे पास आ सके। चाहे वो आपकी नौकरी हो सकती है, कोई आपकी कुछ मनपसंद गाड़ी हो सकती है, आपका कुछ भी कोई भी सपना हो सकता है। तो कुल मिलाकर के मैं बस यही कह रहा हूँ, फ़ोन में सिर्फ, अगर आपको फ़ोन चलाना है तो फ़ोन में सिर्फ उन्हीं चीज़ों को देखें जो आपके लिए बेनिफिट है। कोई किसी के, मतलब अच्छे विचार हैं किसी टीचर के, कोई भाई बहन कोई यूट्यूब पर बढ़िया पढ़ा रहा है, उन चीज़ों को सुनिए। आपके लिए पढ़ने के लिए कोई चीज़ बता रहा है, मोटिवेट कर रहा है, आपके लिए कुछ अच्छा है जिससे आपकी पढ़ाई बेनिफिट हो, उन चीज़ों को सुनिए। अच्छी किताबें पढ़िए, मैंने आपको पिछली वीडियो में एक बार बताया था कि आपके सिलेबस से अलग, जिन किताबों का आपके सिलेबस से तो कोई मतलब नहीं है लेकिन आपके जीवन पर बहुत बड़ा असर होगा उनका, उन किताबों को पढ़िए। अच्छे अच्छे उपन्यास हैं, अच्छी अच्छी किताबें हैं, बड़े बड़े IAS IPS ने अपने जीवन के ऊपर कुछ किताबें लिखी हैं, उन्होंने अपने फॉल्ट बताए पूरे जीवन के कि हमने यहाँ गलती की इसलिए हम कुछ नहीं कर पाए, फिर उसके बाद हमने इस तरीके से अपने आप में बदलाव किया, उसके बाद आज हम स्टेज पर हैं। तो इन चीज़ों को देख रही है, कुछ महीने बाद, कुछ महीने तो छोड़िए, कुछ दिन करने के बाद ही आपको ये महसूस होगा यार हमने अपनी आदतें चेंज करने के बाद हमने इतना अंतर पाया है कि हम पहले किस तरीके से रह रहे थे और अब हम पॉजिटिवली कितने अच्छे तरीके से रह रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, फालतू चीज़ों को मत सोचिए, जो आपको चाहिए, जो आपका ड्रीम है, जो आपका टारगेट है, सिर्फ उसी के बारे में सोचिए। फालतू चीज़ों को बिल्कुल ख़त्म कर दीजिए, कोई भी आपको कुछ भी नहीं देगा, मैं सच बता रहा हूँ। अपने बारे में, अपने घर वालों के बारे में सोचिए, उनकी आंखों में आंखें डाल करके देखिए कि ये हमसे क्या चाहते हैं। उन्हें आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, उन्हें आपसे धन नहीं चाहिए, दौलत नहीं चाहिए, गाड़ी नहीं चाहिए, बंगला नहीं चाहिए, उन्हें सिर्फ आपसे एक चीज़ चाहिए, क्या? आपकी सफलता। वो सिर्फ यही चाहते हैं कि मेरा बेटा या मेरी बेटी सिर्फ इतना काबिल बन जाए कि ये अपने जीवन में जो कुछ भी करना चाहे ना वो ये हासिल कर ले, इसकी जो इच्छा हो शौक मौज की ये वो कर ले, इतना बन जाए बस। ये वो मांगते हैं तो सिर्फ आपके लिए मांगते हैं, उन्हें आपकी धन दौलत से कुछ नहीं मतलब है। तो बस मैं आपसे यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अभी भी समय है आपके पास। मैं किसी पर्टिकुलर एक ही जॉब को लेकर के बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ, चाहे भले वो यूपी पुलिस हो, दिल्ली पुलिस हो, बिहार पुलिस हो, राजस्थान पुलिस हो, MP पुलिस हो, SSC हो, UPSC हो, मतलब कुछ मिला करके मैं, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, मैं सबकी बात कर रहा हूँ, जिसको आप चाहते हैं, जो आपको पसंद है, जिससे आपका जीवन सफल होगा, बेहतर होगा और आपके साथ साथ आपके घर वालों का।
उस काम को करिए, ठीक है, बाकी सारी चीज़ों को अवॉइड करिए। हाँ, ऐसा भी मत करिए, आप पहले से रील देखते थे और सिर्फ पहले 2 घंटे ही पढ़ते थे, अब मेरी वीडियो देखने के बाद या किसी दूसरे भाई की वीडियो जो मोटिवेशनल वीडियो उसको देखने के बाद आज से अब तेरा भाई यार दोस्तों में आपने मन कदा आज से तेरा भाई अब 8 घंटे पढ़ेगा, ज़्यादा हवाई हवाई नहीं, ऐसा ना हो कहीं वो 2 घंटे भी चले जाएँ आपके। आप अगर 2 घंटे पढ़ रहे हैं तो कोशिश करिए दूसरे दिन 2.5 घंटे या 3 घंटे पढ़ें, 1-2 दिन ऐसे ही चलने दीजिए, फिर कोशिश करिए कि हम 3 से 3.5 या 4 घंटे पर आ जाएं, ठीक है। ये जो 2 दिन का गैप बता रहा हूँ मैं, इसको आप 3-4 दिन भी कर सकते हैं, आप देखेंगे कि आपका 15 दिन में पूरा शेड्यूल चेंज हो जाएगा, वो अच्छे लेवल पर आ जाएंगे आप। फ़ोन यूज करिए, अच्छी बात है, पिक्चर देखिए, मूवी, जो भी आपका सीरियल देखते हैं, लेकिन ये नहीं सिर्फ डेली पिक्चर ही देख रहे हैं, मेरे साथ के भी कुछ ऐसे थे और कुछ एक दो अब भी मतलब जानने वाले हैं मेरे, जो मतलब ये समझ लीजिए कि उनकी डेली की एक पिक्चर कंफर्म समझ लीजिए, सच में मतलब डेली यार 3-4 घंटे की 2.5-3 घंटे से तो कोई कम नहीं होती ये पिक्चर, अगर आप डेली ये पिक्चर देख रहे हो वो भी तब जब ये समय आपका ऐसा है कि आपके सर पर आपके एग्जाम है, आपकी वैकेंसी आने वाली है, तो बहुत बड़े भविष्य को अपने को आप खतरे में डाल रहे हो। इसलिए आप मूवी देखिए, वीक में 1 दिन देख लीजिए, कौन नहीं देखता मूवी, किसको अच्छी नहीं लगती, गाने सुनिए, मूवी देखिए, लेकिन समय समय पर जो समय उसके लिए जो बना है उसको उस चीज़ को दीजिए, खेलने भी जाइए, यार दोस्तों में बैठिए, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये ऐसा कुछ करिए, लेकिन जो चीज़ जितनी ज़रूरी है हमारे जीवन में बस उतना ही उस चीज़ को महत्व दीजिए, सबसे ज़्यादा उस चीज़ को समय दीजिए जो हमारे लिए इस समय सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यकीन मानिए जिस दिन आपका सिलेक्शन हो जाएगा ना, यार दोस्त, खेल कूद, शौक, मौज, गाड़ी घोड़ा, सब कुछ आपके पास होगा, आप अपनी मर्जी के मालिक होंगे, आप जो चीज़ चाहेंगे वो देख सकते हैं। आप अभी पिक्चर जो देख रहे हैं ना वो मोबाइल में देख रहे हैं, जिस दिन आप सफल हो जाएंगे ना उस दिन हॉल में जाकर के देखेंगे, चाहे टिकट कितनी की भी आए, और आप खुद ही नहीं देखेंगे, आप जिस उसमें चले जाएंगे डिपार्टमेंट में, वहाँ आपके सभी साथी जो भी जिस डिपार्टमेंट होंगे वो आपके सभी जो कर्मचारी साथ के होंगे वो सभी एक तरीके से अब ग्रुप में जाया करेंगे, अच्छे में अच्छे कपड़े पहन के जाया करेंगे, तो आपको मतलब बड़ा अच्छा महसूस होगा। कहीं भी नहीं जा रही है ये पिक्चर, कहीं भी ये गाने, शौक, मौज, सीरियल, यार दोस्त, कहीं कोई नहीं, सब यहीं है। अगर जा रहा है तो आपका समय, आपकी एज, आपका मौका। तो बस मेरी आपसे बस यही रिक्वेस्ट है, मैं आपको तो नहीं देख पा रहा लेकिन आप तो मुझको देख पा रहे हो वीडियो के माध्यम से, बस हाथ जोड़ करके आपसे बस यही रिक्वेस्ट करता हूँ, जिस दिन आप सफल हो जाएंगे तो मेरे पास तो आप एक मैसेज कर दोगे कि किसी भी जॉब में आप जहाँ भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा कि भैया मेरा वहाँ नंबर आ गया, ये आ गया, तो 2-4 लाइन की कमेंट में लिख दूंगा, कॉन्ग्रेचुलेशन कर दूंगा आपको, बधाई दे दूंगा आपको, ठीक है, लेकिन आपका जीवन सफल हो जाएगा, इन चीज़ों से मुझे तो कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है, और अच्छी बात है आपका जीवन सफल हो, आप अच्छे रास्ते पर चलें, भगवान आपको सद्बुद्धि दे ये सोचने की कि ये जो नेगेटिव चीज़ें हैं वो आपके दिमाग से निकले और आपको पहचान हो जाए इन चीज़ों की, एक क्या चीज़ हमारे जीवन में गलत है, हम इतना फ़ोन यूज कर रहे हैं दिन भर, ये चीज़ गलत है, हम इतना टाइम ख़राब कर रहे हैं, ये चीज़ गलत है, ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को बिल्कुल साइड करिए जो आपके बीच में आ रही हैं, जो पढ़ने के में या आपके जो सफल होने की जो राह है उसके बीच में। बस मैं आपको यही बताने वाला था कि ये समय आपका है, जो करने का है बस उसी काम को करिए, आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, SSC, दिल्ली पुलिस, UP पुलिस, किसी भी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं या किसी अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अच्छे तरीके से करते रहिए, जितना मुझसे हो पाता है आप कमेंट करके वहाँ कुछ करते हो तो वहाँ रिप्लाई देता हूँ, वीडियो के माध्यम से बता देता हूँ, और भी मेरे भी डिपार्टमेंट के भी कुछ भाई बहन हैं जो आपको मतलब कुल मिलाकर के सब कुछ अच्छा कर रहे हैं अपनी ओर से, सब अपनी ओर से बस यही कोशिश में लगे रहते हैं यार हम इस डिपार्टमेंट में हैं, तो जो जानकारी हमें है वो जानकारी हमें इन्हें बता दें तो इनकी राह थोड़ी आसान हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से बस मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, कोई भी आपका डाउट रहता है मेरे पास कमेंट करके पूछिए, जहाँ से आप जिस YouTube चैनल से जुड़े हुए हैं, जहाँ से भी पढ़ते हैं आप वहाँ कमेंट करके पूछिए, सभी कोशिश करते हैं कि आपको कुछ अच्छा से अच्छा बताएं, अच्छा सिखाएं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, आप सभी भाई बहनों से मैं उम्मीद करता हूं कि आज से आप सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान देंगे, सिर्फ अपने फ्यूचर पर ध्यान देंगे और इसके अलावा सिर्फ वही काम करेंगे जो आपके लिए ज़रूरी हो या आपके घर वालों के द्वारा बताया गया हो, ठीक है, क्योंकि मम्मी पापा हमारे कभी फालतू काम नहीं बताते, उन्हें पता है मेरा बेटा या बेटी मेरी पढ़ रही है, मुझे सिर्फ वही काम बताना है जो मुझे इनसे ही करवाना है, ठीक है। तो बस आज के लिए बस इतना ही, अब मिलेंगे अगली नई वीडियो में, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके जरूर बताना कि मैंने जो आपको बताई है कि आपको ये बातें सही लगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अच्छे रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।